जेम्स चैप्टर 1 याकूब की पत्री जेम्स चैप्टर 1 और उसका अध्याय 1 और 17 और 18 जेम्स याकूब की पत्री अध्याय 1 उसका 17 और 18 क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से प्रकार का प्रथम फल हो। हमें हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते वचन की सेवा को आपके हाथों में लेते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हैं वही हम पालन करने के लिए सहायता करना। वचन का ताबा आपके हाथों में दिया है। हम सबको वचन अच्छा ध्यान से सुनने के लिए तो कृपा प्रदान करना यीशु के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ प्रियो वचन कहता है कि जो भी अच्छा वरदान होता है वो कहाँ से आया है? ऊपर से आया है। ऊपर यानी कहाँ से? स्वर्ग से। तो बाइबल हमें बताता है सबसे अच्छा वरदान, जैसे एक अच्छा गिफ्ट, तो जब पुरुष के लिए सबसे अच्छी गिफ्ट आई है उसकी पत्नी। अगर आप पढ़ोगे नीति वचन अध्याय 18 में पढ़ोगे तो जिसने विवाह किया, जिस पुरुष ने विवाह किया उसने पत्नी को पाया है और पत्नी ये परमेश्वर की ओर से क्या है? गिफ्ट है। क्या है? गिफ्ट। इसलिए राजेश ने शादी कर परमेश्वर ने उसको क्या दिया? लक्ष्मी, एक स्त्री, एक गिफ्ट दिया है। जब परमेश्वर, अभी हम कैसे एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं ना, लेकिन हमारे गिफ्ट कैसे होते हैं? हमारे गिफ्ट संसारिक होते हैं जो नाश होने वाले रहते हैं, लेकिन परमेश्वर जो गिफ्ट देता है वो गिफ्ट कोई वस्तु नहीं है, वो एक इंसान है, वो एक परमेश्वर के हाथों की रचना है। इसीलिए उस वस्तु जो परमेश्वर ने जो गिफ्ट दिया है मनुष्य, वो उसका ख्याल करे। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हर पुरुष अपनी पत्नी की देखभाल करे, उसे प्यार करे, उसे संभाले, उसका ख्याल करे, उसकी सारी जरूरतों को पूरा करे। क्योंकि परमेश्वर पूछेगा, क्योंकि हम कैसे अभी देखो इनको गिफ्ट देंगे प्रार्थना खत्म होने के बाद, हम थोड़ी पूछेंगे लक्ष्मी तूने क्या किया, मैंने जो किया था, हम थोड़ी पूछेंगे, हम तो ध्यान भी नहीं देंगे। पूछेंगे नहीं पूछेंगे, हम ये जरूर पूछेंगे गिफ्ट अच्छा लगा, पसंद आया, ये जरूर पूछेंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलेंगे क्या किया तूने, खराब किया क्या, किधर रखा, मैंने तो घड़ी दिया था, घड़ी नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, हाँ किधर है, तू घड़ी में क्यों लगाया, इधर क्यों नहीं लगाया, ऐसा हम थोड़ी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना। तो ये हम गिफ्ट देने के बाद हम बोल रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं। हमारा परमेश्वर हर पुरुष को जो वो उसके जीवन में दो गिफ्ट देता है। पहली गिफ्ट उसकी पत्नी। अगर उसकी पत्नी उससे दुखी है, नाराज है, निराश है, तो परमेश्वर हिसाब लेगा, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं में उत्तर नहीं देगा, उसकी प्रार्थनाओं में व्यत्यय आएगा। जितनी उसकी वाइफ खुश उतना वो सक्सेस, उतना वो सफल, उतना उसकी हड्डी, शरीर की हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। जितनी उसकी जितनी उसकी पत्नी नाराज है, दुखी है, खुश नहीं है, उतनी उसकी हड्डियों में तकलीफ है, उसकी हड्डी उसको तकलीफ देगी, उसका मांस भले रहेगा लेकिन वो खुश नहीं रहेगा, उसको संतुष्टता नहीं रहेगी। क्योंकि परमेश्वर जो गिफ्ट देता है पुरुष को, क्योंकि आदि में सबसे पहले परमेश्वर ने किसको बनाया? पुरुष। तो पुरुष के लिए ही स्त्री बनाई गई। परमेश्वर की योजना क्या थी कि बाबा पुरुष अकेला नहीं रहे, इसीलिए वो क्या करे, अब उसके लिए एक पत्नी बनाया, एक स्त्री दिया, पुरुष नहीं दिया, स्त्री को दिया। इसलिए हर पुरुष का कर्तव्य ये है कि वो अपनी पत्नी को खुश रखे, उसको आनंदित रखे, उसकी सारी जरूरतों को पूरा करे, उसे कभी न मारे, उसे कभी इंसल्ट नहीं करे, चार इंसानों के बीच में कभी भी ऐसे एकदम अपमानजनक या बेइज्जती करके उसे लोगों के सामने कम नहीं दर्जा दे। वो उसकी हड्डी है, वो उसका मांस है, इसलिए वो अपने सम्मान, अपने, बाइबल में ऐसा लिखा है, हे पतियों अपने सम्मान तुम उसे प्यार करो, अपने बॉडी के समान तुम अपने आप को कैसे रिस्पेक्ट देते हो वैसे तुम्हें अपने पति को रिस्पेक्ट देना है, तुम अपने आप को कैसे प्यार करते हो वैसे अपने पति को प्यार करना। ये परमेश्वर ने एक गिफ्ट दिया है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है भजन संहिता 127 में, बच्चे भी यहोवा के दिए हुए दान है। पहला कौन सा दान है, गिफ्ट कौन सा था? दान यानी गिफ्ट, हिंदी में दान बोलते हैं और इंग्लिश में गिफ्ट बोलते हैं। अभी दान बोलेगा तो समझ में नहीं आता, अभी हमारे दान कैसे, मैं तुला दान दिए ये ऐसा हम बोलते हैं ना, लेकिन हिंदी में दान का मतलब है परमेश्वर की ओर से आया हुआ गिफ्ट, उसका मतलब है कोई बात नहीं,
तू इस्तेमाल करना है, तेरे लिए चाहिए। के अनुसार पुरुष को दो गिफ्ट दिया है, कितने? पहली पत्नी, दूसरा बच्चे। वहाँ ऐसा लिखा है, देखो भजन संहिता 127 में पढ़ो, साम 127, साम 127 उसका 3 से पढ़ो। देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए दान है, गिफ्ट है। देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए दान है, कोई भी बच्चे नहीं दे सकता है, कोई भी बीवी जब पैदा नहीं कर सकता, वो परमेश्वर ही देता है। वैसे ही बच्चे भी, कितना भी आज संसार में टेक्नोलॉजी आगे गई हो, साइंस आगे गया हो, परमेश्वर अलाउ नहीं करेगा तब तक बच्चे जन्म नहीं ले सकते। इसलिए ये भी एक परमेश्वर की दया और अनुग्रह मनुष्य के ऊपर, किसके ऊपर? पुरुष के ऊपर। किसके ऊपर? आज राजेश के ऊपर देखा गया तो परमेश्वर ने बहुत अनुग्रह किया है कि आज उसको एक लक्ष्मी जैसी पत्नी मिली, ये गिफ्ट मिला। और साथ में देखो ना, आज कितने साल कितने लोगों को बच्चे नहीं है, लेकिन प्रभु की दया से, आज प्रभु की दया से लक्ष्मी के द्वारा उसे आज बाप होने का, पिता होने का एक मान और सम्मान मिला। देखो आगे पढ़ो, वहाँ परमेश्वर गिफ्ट क्यों देता है बच्चे का। अभी लोग क्या बोलते हैं, अभी अभी शादी में बच्चे नहीं चाहिए, है ना? लेकिन प्रियो बच्चे ये परमेश्वर देता है, और वो क्यों देता है उसका उत्तर आगे दिया है। देखो पढ़ो, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हाँ, स्त्री के लिए गर्भ का फल उसकी प्रतिफल है, क्योंकि स्त्री के कारण पाप क्या आया था, संसार में आया था, इसलिए श्राप मिला ना स्त्री को, बराबर है? तो इसी कारण से बहुत पीड़ा, बहुत दर्द उसे उठाना पड़ता है जन्म देने के समय पे। इसलिए गर्भ का फल उसको प्रतिफल दिया है, ताकि, और इसलिए हम देखेंगे छठे महीने की प्रार्थना क्यों होती है। आगे, जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी की संतान होती है। हाँ, अभी जो जवानी, अभी उम्र होने के बाद 30 साल के, 35 या उसके आगे जो बच्चे पैदा करते हैं, उनमें उतनी, उन बच्चों में इतनी ताकत नहीं रहेगी, लेकिन जो इस एज में, जो जवानी के समय के जो बच्चे हैं, उन बच्चों में ताकत रहेगी, विटामिन्स की कोई कमी नहीं रहेगी, शारीरिक कोई तकलीफें नहीं रहेगी। तो इसीलिए परमेश्वर जवानी के दिनों में बच्चे देता है। अभी आगे ऐसा लिखा है कि जब बच्चे होते हैं, हाँ, क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसका तर्कश उनसे भरा है। हाँ, अगर वो पुरुष धन्य है जिन्हें बच्चे हैं, वो धन्य पुरुष है अगर उन्हें बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि आगे उत्तर दिया है, जब वे फाटक पर अपने शत्रुओं से बातें करेंगे। हाँ, तो लज्जित न होंगे। अभी देखो, हम तो राजेश को प्यार करते हैं, करते हैं। हाँ, अगर बच्चा नहीं भी होता, हम उसको पोसते, हमको क्या लगता, अरे हो जाएगा, प्रभु देगा, प्रभु देगा। लेकिन शत्रु कैसे रहते हैं, फिर वो कैसे करेंगे, वो है ना उसको ताना मारेंगे, तो चाहिए उसको। कोई कोई लोग का तो जबान इतना गंदा रहता है ना, शत्रु वो तो ऐसे ही बोलेगा, क्या तेरे में ताकत नहीं है क्या बच्चा पैदा करने। कभी कभी ऐसा बोलेगा कि तेरी बीवी बांध जाए, ऐसे चार इंसानों के बीच में, फिर लोग हंसेंगे, फिर वो बहुत बुरा लगता है। इसीलिए हर इंसान को कोई ना कोई शत्रु होता है, अड़ोसी पड़ोसी, गांव के लोग, जलन रखने वाले लोग होते हैं, इसलिए वो देखते हैं कि अरे बाबा शादी हो गई, बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, बच्चे का दान क्यों देता है, वहाँ लिखा है जब शत्रु से बात करेगा तो उसको ऐसा गर्दन झुकाना नहीं पड़ेगा, और गर्व से बोल सकता है, हाँ ये लड़का है। क्योंकि लोग ये नहीं पूछते, राजेश कितना कमाया, कितनी पैसे बैंक में, ऐसा पूछते हैं मुन्ना दीदी, यही पूछते हैं कितनी मुन्ना डाली, यही पूछते हैं ना मुन्ना तुम्हारा कितनी, बच्चे कितने, ये पूछा जाता है। पैसा कितना है खीसे में तुम्हारे, वो नहीं पूछते। तुम्हारे गोद में दो बच्चों को देकर, अरे तूने दो मुले, अच्छा तुम्हें दो बच्चे, अरे बहुत प्यारे बच्चे रे, बहुत सुंदर लड़की, ऐसा करके बोलते हैं ना, सही है? तो इसीलिए प्रियो, आपकी बेइज्जती ना हो, स्त्री की बेइज्जती ना हो, इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, बच्चे का दान पुरुष को देता है, पुरुष के कारण स्त्री को गर्भधारणा होती है, हमें। तो इसीलिए प्रियो, ये दो दान है जो ऊपर से परमेश्वर दिया है। मनुष्य कितना भी चाहेगा, आज कितने पुरुष लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, 30-35, मेरे पास तो एक उम्र, एक आदमी का उम्र वाला आया 48 हुआ है उसको, एक का 52 है, एक का 55। मैं बोला एवड्या वयाची कोणती पोरगी नाही हो आमच्याकडे, 55 एज वाले की, मैं बोला विधवा चलेगी क्या?
छोटी बहन चलेगी क्या? तो बोलो, बोलता नहीं मेरी अभी तक शादी नहीं हुई तो मुझे भी कुंवारी चाहिए। बोला अरे बाबा कौन पिता अपनी बेटी को कुंवारी रखेगा इतनी उम्र होने तक? बोला नहीं रखेगा। बोला आप भी इतना साल तक क्यों रुके? बोला मैं थोड़ा खुद के पैर पे खड़ा हुआ, मतलब खुद के पैर पे 55 ईयर लगा खड़ा होने के लिए। इतनी लड़कियां जिंदगी में उसने देखी, ये नहीं चाहिए, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, इसमें ये इसको बाल कम है। अरे बाबा तुमको बाल से क्या लेना देना, बाल आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तुम ऑयल लगा देना उसको, नहीं उसको बाल लंबे होने चाहिए। क्या बोलने का, तुम स्वभाव देख रहा है, बाल तो देख रहे हो। एक आध लड़की ने तो यही कितनी उसमें कितनी लड़कियां देखी, 35 लड़कियां एक भी पसंद नहीं। हर लड़की में उसने नुक्स निकाला, हर लड़की हॉर्मोन देते हुए हो जाए इसलिए इतना उम्र हो जाता है। हम तो एक दो में ही थक जाते हैं, एक दूसरे में बोलते हैं हाँ पसंद है, हम तो गुण देखते हैं, लेकिन वो लोग कैसे देखते हैं, रूप रंग ये है वैसा है वैसा। तो इसलिए प्रियो परमेश्वर की अगर गिफ्ट नहीं है, परमेश्वर की ओर से अगर ये दान नहीं दिया गया ना, तो लड़की पुरुष की शादी नहीं होती। लेकिन सही एज में पुरुष की शादी हो जानी चाहिए। और मैं आपको बताती हूँ, कभी भी लड़के में कैसा हम देखते हैं कि बहुत पैसा वाला लड़का होना चाहिए, बहुत ये होना चाहिए। लड़का कभी भी पैसे वाला होने तक 35 एज तक हो जाता है, कभी भी जवानी के दिनों में वो उम्र ज़्यादा कमा नहीं पाता, एजुकेशन के बाद वो धीरे धीरे अपना पैर पर खड़ा होता है। इसलिए कभी भी स्वभाव देखना, मेहनत ही देखना, पुरुष के अंदर कभी भी रूप रंग नहीं देख, पुरुष का काम देख, फिर पैसा मेहनती है ये देखकर कभी भी चॉइस करना, कभी भी रूप रंग नहीं देख। लड़की का भी रूप रंग नहीं देखने, लड़की का क्या देखने का, स्वभाव, मेहनत, कितनी मेहनत करती है। अगर वो मेहनत करती है तो घर में भी वो मेरा घर अच्छा तरीके से चलाए, ये हमेशा देख। तो इसलिए प्रयोग परमेश्वर पुरुष की शादी कराकर उसे क्या करता है, एक गिफ्ट पत्नी देता है और दूसरी उसको बच्चा देता है, परमेश्वर उसको दूसरा गिफ्ट देता है बच्चा। तो आज प्रभु की दया से राजेश की शादी होकर प्रभु ने उसको एक अच्छी पत्नी दिया और एक गिफ्ट होने के बाद प्रभु ने उसको दूसरा गिफ्ट दिया। मेरे ख्याल से प्रभु ने प्रभु की दया से राजेश ने लक्ष्मी को अच्छा ही रखा है, खुश रखा है, प्रभु ऐसे ही खुश रखे। इसलिए प्रभु ने तुझे और एक दान दिया। अभी ये दान देने के बाद अब ये दान को दोनों की ड्यूटी है क्या करना है, संभालना दोनों की। अभी राजेश ने तो दोनों को संभालना है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चे की जो ड्यूटी है वो स्त्री के ऊपर भी आ जाती है। तो स्त्री ने भी अपने बच्चे को अच्छी रीति से संभाले, परमेश्वर के घर में बढ़ाए, यही मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए प्रियो परमेश्वर बच्चे दान देकर इस फैमिली को ब्लेस करता है। परमेश्वर की इच्छा है कि कुटुंब बढ़े, मनुष्य की संख्या बढ़े, कुटुंब घटे नहीं परंतु क्या हो जाए, बढ़ जाए। इसीलिए परमेश्वर बच्चे देकर घर में संख्या बढ़ाता है। अब जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में परमेश्वर के स्वर्गदूत का वास होता है, क्योंकि इन छोटे बच्चों का परमेश्वर स्वर्गदूत हमेशा परमेश्वर के सामने क्या करते हैं, मध्यस्थी करते रहते हैं। इसीलिए बच्चे घर में रहना बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए प्रियो आज प्रभु की दया से इन दोनों को बच्चे का दान दिया है। तो ये कहाँ से आया है, हमने क्या पढ़ा था, ये स्वर्ग से, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, अच्छा वरदान, ये अच्छा है ना, बीवी अच्छी है ना, अच्छा वरदान है, बच्चे अच्छे हैं, ये अच्छा वरदान कहाँ से आया, ऊपर से आया, वो भी कौन से, ज्योतियों के पिता की ओर से। ज्योतियों का पिता यानी परमेश्वर की ओर से, या कोई भी इंसान या कोई भी भगवान विगवान उनके द्वारा नहीं होता है, ये होता है सिर्फ परमेश्वर की ओर से। इसीलिए प्रियो प्रभु के वचन के अनुसार हम क्या करते हैं, गर्भवती के समय पर जब वो छठा महीना रहता है, सातवां महीना लगने आता है, तब हम प्रेयर करते हैं। अभी ये छठे महीने की प्रार्थना क्यों रखी जाती है, हम पढ़ेंगे लूक अध्याय एक में, लूक अध्याय एक उसका 36। देख तेरी कुटुंबी ने इलिशुबा से भी इस बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है। हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया और उसे कहता है कि तू गर्भवती होगी, एक बच्चे को जन्म देगी। तो ये बोलते ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं हूँ, तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन उसके लिए एक साइन दिया, क्या दिया, चिन्ह। कौन सा चिन्ह दिया, कि तेरी जो रिलेटिव है इलिशुबा,
वो बुढ़ी है, अभी बुढ़ापे में बच्चे हो सकते हैं क्या? उसका तो स्त्री धर्म भी बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी वो गर्भवती हुई है। तो ये, और उस स्त्री ने क्या किया था, छुपा के रखा था 6 महीने तक उसने अपने मैं गर्भवती हूँ ये बात किसी को नहीं बताया, लेकिन स्वर्गदूत ने ये बात प्रकट की। इसलिए परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि जो स्त्री गर्भवती है वो बात छुपा के रखे। अक्सर औरतें क्या करती है, छुपा के रखती है, किसी को नहीं बताती। लेकिन ये छिपने वाली वस्तु है क्या, छिपने वाली बात है क्या? कभी भी नहीं है ना। एक छोटे से बच्चे ने बोला, हमारी टीचर का पहले पेट कितना अंदर था, जैसे जैसे हो रहा है उसका पेट बड़ा बड़ा क्यों हो रहा है मम्मी? तो अभी वो गर्भवती थी, क्या कर सकते, थोड़ा बड़ा बड़ा होने लगा। बच्चे इतने से बच्चों का भी नजर देखो पेट में गया, तो छुप नहीं सकता। ये परमेश्वर प्रभु नहीं चाहता कि ये छिपाए। परमेश्वर जो आपको पत्नी देता है वो भी छुपाना नहीं है, आपको जो बच्चे देते हैं वो भी आपको छुपाना नहीं है। इसीलिए परम स्वर्गदूत ने वो प्रकट किया और कहा, बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है और यह उसका जो बांज कहलाती थी 6वां महीना है। वो बांझ कहलाती थी, उसने बिचारी ने कितना दुख, बाप रे कितना दर्द उठाया था, लोग उसे कितना ताने देते थे। लेकिन एक बात है, मुझे जकरिया की एक बात बहुत अच्छी लगी, उसकी पत्नी बांझ है लेकिन उसने दूसरी शादी नहीं, अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा है। जब हम सैमुअल की जो माँ है हन्ना, उसके पति का नाम तो अभी मैं भूल गई, किसको याद है? एल्कना। तो वो एल्कना मेरी बीवी को बच्चा नहीं होता है बोलकर उसने क्या किया, दूसरी शादी और वो अपनी पत्नी को क्या कहता है, तेरे लिए मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, 10 बच्चों से भी मैं तेरे लिए बढ़कर हूँ। तो फिर इतना बढ़कर है तो दूसरी शादी क्यों किया? वो दूसरी सवर क्या कर रही थी बेचारी ने, कितना उसको अच्छा। आखिर में वो रो रो कर परमेश्वर के सामने उसने परमेश्वर से मांगा, प्रभु मुझ पर दया कर, तू मुझे दे मैं तुझे दूँ, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसको बचाया। तो ये जकरिया की सबसे बेस्ट है कि बूढ़ा हो गया लेकिन उसने दूसरी शादी नहीं की, ना उसके मन में कभी ऐसा आया कि मैं मेरी पत्नी को छोड़ दूँ। ये बात सबसे बेस्ट है, प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए हम देखते हैं कि जकरिया की जो पत्नी है वो भी बुढ़ी है, जकरिया भी बुढ़ा है और उसका 6वां महीना है। इसलिए देखो हम देखते हैं 39 से, तब उन्हीं दिनों में मरियम उठकर शीघ्रता से पहाड़ी प्रदेश में यहूदा के एक नगर को गई। हाँ, मरियम गर्भवती हो गई थी, जैसे उसने कहा तेरी इच्छा के अनुसार हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, और वो गर्भवती हुई। और जैसे वो गर्भवती हुई उसने क्या किया, वो एलीशिबा से मिलने के लिए चली गई आगे, और जकरिया के घर में प्रवेश करके उसने एलीशिबा को नमस्कार किया। हम लोग ऐसे एक दूसरे को मिलते हैं, जय यीशु है ना, मसीह होने के नाते एक दूसरे को नमस्कार करना ही है, जय यीशु करना ही है। तो जैसे वो नमस्कार उसने अंदर प्रवेश करते ही किया, ऐसा हुआ कि जो ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, हाँ, एलीशिबा का जैसे नमस्कार उसके कान में पड़ा, त्यों ही बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। और क्या हुआ, वो स्त्री जो एलीशिबा थी वो पवित्र आत्मा से भर गई। तो 6वें महीने का जो प्रेयर होता है, बच्चा अच्छी रीति से बढ़ने के लिए, चलने के लिए, अंदर अच्छी रीति से उसका मूवमेंट होने के लिए, उसकी बाढ़ होने के लिए, और प्रयोग 6वें महीने से लेकर 9वें महीने तक स्त्री को यीशु की बड़ी ज़रूरत होती है, परमेश्वर की बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि उस काल में उसकी प्रसव पीड़ा नज़दीक आने वाली रहती है। तब परमेश्वर उसे प्रिपेयर करता है प्रसव पीड़ा के लिए, तैयार करता है उसको मेंटली। ऑलरेडी स्त्री के अंदर डर बैठा रहता है, क्या डर बैठा रहता है, बहुत दर्द देते हैं, बहुत कराते हैं, हाँ बहुत तकलीफ आती है, हाँ। और ये तो श्राप ही है, ये श्राप होने के कारण क्या दिया गया है, हर स्त्री दर्द उठाती है। लेकिन प्रियो परमेश्वर के पास जब प्रेयर किया जाता है, तब एलीशिबा का प्रसव काल पूरा हुआ। जैसे प्रसव काल पूरा हुआ तब क्या हुआ मालूम, उसे दर्द नहीं हुआ, उसे ज्यादा कष्ट नहीं हुआ, ऑलरेडी वो बूढ़ी थी, लेकिन उसने वो न मरी न उसका बच्चा मरा, परंतु उसने क्या किया, एक सुंदर बेटे को, क्या लिखा है वहाँ पर, उसने एक पुत्र को जन्म दिया, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इसलिए प्रियो 6वें महीने के समय पर जब हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, उस समय स्त्री को भी बहुत यीशु की जरूरत होती है, खास करके उस बच्चे को। और जब आने वाले दिनों में अभी 7वां, 8वां, 9वां महीना लगेगा, उस समय उसे उसके अंदर जैसे जैसे 9वां महीना लगेगा उसके अंदर डर आने लगता है, बाप रे मुझे बहुत दर्द होगा,
मुझे बहुत तकलीफ होगा, है ना, लेकिन इसमें प्रार्थना से तेरे अंदर डर नहीं रहेगा। तेरी प्रसव पीड़ा जैसे औरतों को होती है वैसे तुझे नहीं है। जैसे जिस दर्द से औरतें जैसे गुजरती और बोलते बाबा लक्ष्मी बहुत दर्द होता है, लक्ष्मी बहुत कष्ट होता है, वो जो कल आती है तो बहुत तकलीफ होती है, माँ याद आती है, बाप रे जान निकलती, लेकिन वो डर नहीं देता और परमेश्वर तुझे जल्दी से छुटकारा देगा। मतलब उस बच्चे को जल्दी से जन्म, जैसे इलीशिबा क्या हुआ हम पढ़ते, जैसे इलीशिबा ने माता मरियम का आवाज़ सुना, उस माता मरियम के आवाज़ सुनते ही उसके गर्भ का बच्चा क्या हुआ, खिल गया, उछल पड़ा, वो खुश हो गया और वो पवित्र आत्मा से भरे। अब तो तेरे अंदर में पवित्र आत्मा प्रज्वलित होने के लिए, तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुझमें आने के लिए ये प्रार्थना रखती है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे लिए क्यों आया है, मदद के लिए। यीशु ने क्या कहा, मैं तुम्हें क्या दूंगा, पवित्र आत्मा, वो तुम्हें क्या करेगा, मदद करेगा, क्या मदद करेगा, परमेश्वर के राह में भी और हमारे शरीर में भी, परमेश्वर जन्म देने के लिए, शुद्ध रखने के लिए, पवित्र करने के लिए हमें पवित्र आत्मा क्या करेगा, सहायता करेगा। तो वैसे ही प्रसव पीड़ा के समय पर, अभी आप सबको तो अनुभव ही है कि आप सब लोगों ने बच्चों को जन्म दिया है, कितना दर्द होता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा उस समय हमें मदद करेगा तो उस दर्द सहने के लिए और जल्दी से बच्चे को जन्म देने के लिए सहायता करेगा। इसीलिए प्रियो छठे महीने का प्रयास किया था। ये प्रार्थना से क्या होगा, अभी आने वाले 3 दिनों में 7वां 8वां 9वां इसमें तेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा, तू भी पवित्र आत्मा से भरी रहेगी, तो तेरे अंदर डर नहीं रहेगा और तुझे कष्ट से गुजरना नहीं पड़ेगा। प्रभु ने अब तक तुझे कष्ट से जाने नहीं दिया, आगे भी नहीं जाने देगा हमें। तो इसीलिए प्रियो हम देखते हैं कि जैसे ये दोनों भी पवित्र आत्मा से भरी और क्या हुआ, 3 महीने हम देखते हैं कि मरियम वहाँ रहे और इसीलिए प्रसव पीड़ा क्या हुआ, उसका कष्ट से वो छुटकारा पाई। इसलिए आज भी छठे महीने की प्रार्थना रखी है तेरे लिए, खास तेरे लिए, तू और तेरे गर्भ का बच्चा, ये परमेश्वर ने राजेश के लिए दिया खास इस संसार में, इसका इसका गिफ्ट मतलब परमेश्वर के लिए उसके ऊपर अनुग्रह दिया है, कृपा मिली है। तुझे कुछ तकलीफ होगा तो अकेला हो जाएगा, बच्चे को कुछ हानि होगा तो लोग तमाशा बनाएंगे, ये दुखी होगा, इसीलिए छठे महीने का प्रार्थना इसलिए रखा है तेरे लिए खास, ताकि तू सुरक्षित रहे, तू पवित्र आत्मा से भर जाए और तू गर्भ देने के जन्म देने के लिए तुझे जो प्रसव पीड़ा होगी उसमें प्रभु तुझे सहायता करे। ठीक है, हम प्रेयर करेंगे, रेडी है सब लोग प्रार्थना के लिए? हाँ, अपने हाथ इनकी ओर उठाओ। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते प्रभु, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, राजाओं के राजा उद्धार देने वाले पवित्र पिता राजेश को प्रभु तूने बहुत अनुग्रह किया प्रभु, ये तेरी कृपा हुई। आज इस संसार में इतने पुरुष है जो सक्सेस नहीं है प्रभु, उनका तो विवाह भी नहीं हुआ, लेकिन तूने राजेश का विवाह जो उसको चाहिए थी मन पसंद लक्ष्मी से उसी से विवाह तूने कराया, इसलिए प्रभु तूने बड़ी दया करुणा करके राजेश को प्रभु तूने एक दो उत्तम दान दिए, एक लक्ष्मी और दूसरा गर्भ का बच्चा, वो भी लक्ष्मी के ही द्वारा। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु राजेश फैमिली के लिए प्रभु, राजेश को आशीषित करना, मैं आपका सर्व सामर्थ्य करूँ प्रभु, राजेश के ऊपर लगाती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित कर दे और आपके सर्व सामर्थ्य लहू तले लाकर प्रभु छुटकारा घोषित करती और आपके नाम से आशीषित करती हूँ। और पवित्र पिता उसने जैसे लक्ष्मी को अभी तक अच्छा संभाला है आगे भी वो संभाले प्रभु, लक्ष्मी को ऐसे ही प्यार करते रहे प्रभु, अब तो वो 2 गुना प्यार करे क्योंकि उसने प्रभु उसके बेटे के लिए उसके बच्चे को जन्म देने के लिए प्रभु पवित्र पिता उसने अपने आप को दे दिया प्रभु। आज इस संसार में बहुत सारी स्त्री है जो गर्भवती होने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन लक्ष्मी ने ऐसा नहीं किया, उसने अपने आप को उसके बच्चे का जन्म देने के लिए अपने आप को समर्पित किया। इसलिए मेरे पिता राजेश को बहुत आशीष है, उसके हाथों के कामों को आशीष है, उसके सब काम सफल कर, किसी चीज़ की कमी बटी होने नहीं, हमेशा तुझसे प्यार करने के लिए तुझसे जुड़ने के लिए मदद करना। पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर तुझे बहुत प्यार करने के लिए कुटुंब में हमेशा यीशु को रखने के लिए सहायता। अब हम लक्ष्मी के लिए प्रार्थना करते आपका सर्व सामर्थ्य लहू लक्ष्मी के ऊपर लगाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित करते प्रभु, और मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता हम उसके गर्भ के ऊपर भी प्रभु आपका लहू लगाते प्रभु, इस बच्चे को भी यीशु के लहू से शुद्ध और पवित्र करते प्रभु, और ये बच्चा प्रभु तेरी ओर से दिया हुआ उत्तम दान है प्रभु, इसलिए प्रभु पवित्र पिता इन दोनों की रक्षा करना,
उसकी डिलीवरी प्रभु नॉर्मल करना था। प्रसव पीड़ा उठने से पहले उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया, ये तेरा वचन कहता है। इस वचन के अनुसार होने दे, इस वचन के अनुसार लक्ष्मी के लिए होने दे प्रभु। कोई दुख से, कोई कष्ट से, दर्द से जाने नहीं देना। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है। सुंदर बेटी को जन्म देने के लिए तो कृपा प्रदान करना, दया रखना। अभी इस आज के दिन से प्रभु यीशु आपकी बहुत जरूरत है प्रभु, इस गर्भ के बच्चे के लिए खास प्रभु। तो इसलिए प्रभु इस बच्चा हमेशा अच्छा मूवमेंट करने के लिए मदद करना। जब समय पूरा होगा तो उस समय बच्चे का पोजीशन भी करेक्ट रीति से होने के लिए मदद करना। इसकी डिलीवरी नॉर्मल करना प्रभु, सीजर के लिए जाने नहीं देना प्रभु। इसकी मदद करना, इसकी रक्षा करना। तेरा वचन कहता है यहोवा की मदद से मैंने एक बेटे को जन्म दिया, तो वैसे ही प्रभु होने के लिए तो कृपा प्रदान करना, आशीष देना, इसे फलवन करना। धन्यवाद देते पिता, हमें इस फैमिली को प्रभु कलीसिया मिलकर आशीषित कर। ये फूले फले फलवंत हो जाए, बहुगुणित हो जाए, संख्या में बढ़ जाए। ये जो उत्तम दो दान प्रभु तूने दिया है वो स्वर्ग से दिया है, ज्योतियों के पिता ने दिया है प्रभु। प्रभु पवित्र पिता, इस दान को अच्छी रीति से संभालने के लिए मदद करना, अनुग्रह करना, आशीष देना। और प्रभु ये जो बच्चा है प्रभु, इन दोनों को प्रभु तेरे पास लौटा कर आने के लिए एक अच्छा माध्यम बनने के लिए मदद करना। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है। इन दोनों को प्रभु तेरे चरणों में लेकर आ जाए। धन्यवाद देते पिता, इस फैमिली को हम आशीषित करते, आपके पुत्री के समान संभाल लेना प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद ला चाहते। और प्रभु आज की हम सारी कलीसिया की ये प्रार्थना प्रभु, पवित्र पिता इसे उपयोगी पड़ेगा। धन्यवाद देते, धन्यवाद ला चाहते। और आज बड़ा तूने आनंद का दिन दिया राजेश के लिए, बड़ा आनंद का दिन है कि तूने प्रभु पवित्र पिता पिता होने का उसको वरदान दिया। प्रभु सेनाधीश परमेश्वर, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते, धन्यवाद इस आनंद के लिए। आनंद हमेशा रहने के लिए सहायता, अनुग्रह करना, आशीष देना। इस कुटुंब के चारों बाजू में दूतों का पहरा रखना, आपके अग्नि का लहू का बाड़ा बांधते हैं। और इस फैमिली को हम ब्लेस करते हैं, ये फूले फले फलवंत हो जाए, बहुगुणित हो जाए, संख्या में बढ़ जाए और पृथ्वी के अधिकारी हो जाए। रक्षा कर, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव आपको दे प्रभु यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य नाम से प्रार्थना। ये फल है परमेश्वर की ओर से दिया हुआ, ये हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से दिया हुआ फल हो, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, इसलिए फल रखे। और ये बड़े आनंद की बात है, कुटुंब बढ़ रहा है, इसलिए स्वीट्स रखे। तो इसीलिए अब ये खोलेंगे ये दोनों और एक दूसरे को खिलाएंगे। और भोला भाई, हालेलुया, अभी ये दोनों एक दूसरे को खिलाएंगे, आप भी इन्हें खिलाना है, उसके बाद हम एक एक जन भी इन सभी को खिलाना है। सिर्फ इतना कोशिश करो इन दोनों को ज़्यादा मिठाई नहीं, इनको आप इन दोनों को चाहिए खिलाओ, लेकिन भोला भाई को और ज्योति भाई को थोड़ा कम। चलिए मिठाई मिठाई, हाँ आपको समझ में आए तो आप जब भी इनको भरोगे, अभी नेचुरली इनके जीवन में जो आनंद है वो इनके जीवन में भी आनंद है। माता पिता होने का एक हक उनको मिला। आज जैसे इनकी बहन गाँव गई इसलिए इनके तरफ से कोई बैठने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु की स्तुति हो, जो भी है आज जो फैमिली आज सामने बैठी है इन्हें मिठाई खिलाना है, आनंद करना है, कॉन्ग्रेचुलेशन करना है। ठीक है, आगे आके खोलो। लक्ष्मी तुझे क्या खाने की इच्छा है? खिला दे, ताली बजाए। तुझे क्या खिलाना है? फ्रूट या मिठाई जो भी मुझे। प्रभु के चॉइस के अनुसार ये जो बच्चा है, मैं भी आपको बताती हूँ, अंगूर उठाए। अंगूर बाइबल में लिखा है कि सच्ची दाखलता कौन है? अंगूर की बारी किसको दर्शाती है? स्वर्ग के राज्य को, मालूम है? इसलिए ये बच्चा परमेश्वर के राज्य में ही रहेगा और परमेश्वर के पास तुम लोग को लेके जाएगा। और तुमने मिठाई पेड़ा उठाया, प्रभु तुम्हें आनंदित हमेशा रखेगा। उस बच्चे से तुम्हें दुख नहीं मिलेगा, उसका मीनिंग। ठीक है,
अभी आप खिलाओ। आपको जो खिलाना है आप इनको खिला सकते हैं, आपकी जो इच्छा है।